हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर कि आपने चैप्टर 4 के बाद सीधे 8 क्यों स्टार्ट कर दिया? तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना मैंने एक बेसिक से इंट्रोडक्शन और वीडियो भी रिसेंटली ही अपने एप्लीकेशन में अपलोड किया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एक्सरसाइज हैं वो भी अच्छे से आ जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर भी गर्मी भर हमारा ना फ्री में कोर्स चलने वाला है गर्मियों की छुट्टी में, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज रहेंगी आगे के चैप्टर्स की, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ना, इसमें हमसे बोल रहे हैं कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, यानी कुछ पॉइंट्स हमको दे दिए गए हैं, उनको हमको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। सो यहाँ पर हमने एक स्लाइड ले लिया है जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ हमारे पास एक ग्राफ पेपर भी दिया हुआ है। ग्राफ पेपर को समझ लेते हैं जल्दी से कि ये जो हमारी लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, इसको हम लोग जो सीधा सीधा हमारा लाइन होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो ऐसे एक्स एक्सिस है, बीच में हमारा पॉइंट जीरो वाला होता है, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहा जाता है। मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि इस तरीके से लाइन होगा, जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम लोग जीरो जीरो कहते हैं। उसके बाद हमारा इधर प्लस वन प्लस टू इस तरीके से जाता है, इधर माइनस वन माइनस टू आता है। सेम टू सेम वाई एक्सिस में ऊपर में प्लस वन प्लस टू जाएगा और नीचे में y वाले में माइनस वन माइनस टू जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन x एक्सिस की होती है, ये y की होती है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना है कि जो भी हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, इसमें पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। जैसे कि पहला जो 2 है वो x का है, तो x के लिए 2 कहां पर आएगा? यहां पर मैं इनके नाम्स लिख लेता हूं। अगर देखो, ये मेरा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इधर 5 दिया ही हुआ है। ये माइनस वन होगा, ये माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा और माइनस फोर होगा। ऊपर में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव तो है ही, नीचे में माइनस वन, ये वाला माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और फाइव तो हमारे पास है ही। तो अब यहाँ पर हम लोग को x के लिए 2 देखना है। x के लिए 2 कहाँ पर आएगा भैया? यहाँ पर आएगा। और y के लिए 5 है, तो y के लिए 5 कहाँ पर आएगा? देखो, y का 5 यहाँ पर है, दोनों प्लस में, ध्यान रखना ना, निगेटिव वाले में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये जो हमको पॉइंट मिला जो x से सीधाई में 2 में है और y के लिए 5 में है, यही हमारा 2 एंड 5 कहलाता है। इस तरीके से आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है? और कुछ देखो, ये सब आप लोग क्लास 8 में तो कर ही चुके हो, फिर भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ लेकर के। जैसे कि मान लो मेरे को माइनस थ्री और माइनस टू लेना है, माइनस वाले कुछ नंबर ले लेते हैं, तो माइनस थ्री एक्स के लिए है, तो एक्स के लिए माइनस थ्री कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और वाई के लिए प्लस वाला टू है, तो वाई के लिए प्लस टू ऊपर जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा माइनस थ्री और हमारा प्लस का टू कहलाएगा। उसके अलावा और कुछ पॉइंट, जैसे जीरो वाला ले लेता हूँ, ये देखो माइनस फोर और जीरो, तो एक्स के लिए माइनस फोर कहाँ पर है भैया? देखो, पहला वाला एक्स का होता है, तो एक्स के लिए माइनस फोर यहाँ पर आएगा। और वाई के लिए कितना है? जीरो है, तो वाई के लिए अगर जीरो है इसका मतलब ना ही ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है। यही वाला जो पॉइंट होगा ना जो एक्स एक्सिस में है, यही हमारा माइनस फोर और वाई के लिए जीरो कहलाएगा। ऐसे कर रहा रहता है, ठीक है? और उसी तरीके से अगर मेरे पास x के लिए जीरो हो, जैसे देखो ये रहा, ये जीरो और माइनस फोर, इसी को उल्टा करके दिया है, x के लिए जीरो कर दिया और y के लिए माइनस फोर कर दिया, तो x के लिए जीरो कहाँ पर होगा? इस लाइन में होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट पे हम लोग तो जानते हैं कि ये जीरो जीरो होता है। उसके बाद y के लिए तो माइनस फोर है ना, तो y के लिए माइनस फोर कहाँ पर आएगा? ये वाला पॉइंट में आएगा। तो ये हो गया x के लिए जीरो और y के लिए माइनस फोर। अब इससे एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमने क्या देखा, जब y के लिए जीरो था तो जो पॉइंट बना वो x एक्सिस में बना, x वाली लाइन में बना, और उसी तरीके से जब हमारा x के लिए जीरो था तो जो लाइन हमारा जो पॉइंट आया वो कौन सी लाइन में आया? y एक्सिस में आया। तो कभी भी अगर x का हमारा जीरो रहता है तो y में बनता है, और अगर y का जीरो रहता है तो वो लाइन हमारा x में बनता है। ये चीज ध्यान रखना, बाकी आप लोग प्लॉट कर ही सकते हो। जैसे ये जीरो जीरो जो होता है, मैंने आपको बार बार शुरू से समझाया कि ये जो हमारा ओरिजिन होता है यहां पर जो होता है ना, ये हमारा जीरो जीरो रहता है। ओरिजिन हमारा x के लिए भी जीरो होता है और y के लिए भी जीरो होता है। बाकी पॉइंट्स आप प्लॉट कर ही सकते हो, क्लास 7-8 का क्वेश्चन है, यदि इसमें डिग्री नहीं जाते हम लोग, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया मान लो यहां पर। बाकी इसके नोट्स आपको मेरे ऐप में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्क ऑन द ग्राफ पेपर, यानी कि यहां पर ग्राफ पेपर में आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे मार्क किए हुए, हमको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो वही जो नंबर एक्स और वाई वाले नंबर होते हैं ना, उसको एक कोऑर्डिनेट कहा जाता है। जैसे जो बाहर बाहर में पॉइंट्स है, पहले उनका मैं बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, ई से स्टार्ट करते हैं, तो ई का एक्स के लिए कितना है? तो एक्स वाली लाइन में यहां पर देखो माइनस फोर की सीधाई में है ना, तो ये हमारा माइनस फोर हो गया। उसके बाद वाई के लिए कितना है? तो ये ऐसे सीधा वाई में थ्री में आ रहा है, तो वाई के लिए थ्री हो गया। कितना आसान था। क्यू वाला एक्स के लिए देखो सेवन में है, तो सेवन लिख दो, और वाई के लिए सिक्स में है, तो
तो 6 लिख दो। उसी तरीके से ये जो पी है ये एक्स के लिए कितना है भैया, तो एक्स के लिए ये भी 7 में है तो 7 लिखेंगे, और वाई के लिए कितना है तो सीधा वाई की लाइन में आ जाओ और ये -3 में टकरा रहा है, यानी कि वाई के लिए -3 है। लिखने टाइम बस यही ध्यान रखना कि पहले एक्स वाले को लिखते हैं बाद में वाई वाले को लिखते हैं। जैसे ये एफ और ए दिख रहा है मेरे को, तो एफ हमारा एक्स के लिए कितना है -2 है, तो यहाँ -2 लिख लेते हैं, और वाई के लिए -4 है तो -4 लिख लेते हैं। ये ए जो हमारा वो एक्स के लिए हमारा 3 है, और वाई के लिए कितना है भैया, तो ये वाई के लिए 1 में आ रहा है तो ये 1 हो गया। अब जो पॉइंट्स हमारे लाइन में है उसको कर लेते हैं। जैसे ये जो -3 है ये हमारा किस एक्सिस में है, हमारे यहाँ पर एक्स वाले में ही है, तो एक्स के लिए -3 हो गया, और वाई के लिए ऊपर नीचे तो कहीं गया ही नहीं, यहीं पर अटक गया। तो हम लोग जानते हैं ना कि जब कभी भी एक्स एक्सिस में रहता है तो वाई के लिए 0 हो जाता है। वैसे देखो तो एक्स एक्सिस में ये थ्रू यहाँ पर भी पॉइंट दिख रहा है मुझे, तो एक्स के लिए ये 6 है तो वाई के लिए 0 हो जाएगा। और उसी का उल्टा होता है वाई एक्सिस में, जैसे वाई के लिए ये हमारा 6 है ना, वाई एक्सिस में ये 6 है, तो सॉरी पहले तो हम लोग एक्स का लिखते हैं, ध्यान रखना ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मिट जा। पहले कभी भी हम लोग x वाले का लिखते हैं, तो x के लिए तो ये 0 होगा तो यहाँ पर 0 लिखो, और y के लिए 6 होगा तो 6 लिख दो। और कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखो ये x के लिए हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस में बन रहा है, यानी कि x के लिए 0 हो गया, और y के लिए कितना है तो -5 है। उसी तरीके से ये दो पॉइंट बच गया, एक तो ये वाला और ये वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से कीजिएगा। अभी ये भी समझ में आ गया होगा, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें दी हुई है जो बच्चों को दिया जाता है कम, यानी कि तैयारी करने के लिए सिंपल सिंपल चीज़ें, वो हमको बताया गया था। अब मेन क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, हमसे बोल रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, एंड राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेनिंग बाय द जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। यानी कि अगर हम लोग उन जो भी पॉइंट मिलेगा ना उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, जिस तरीके से भी ज्वाइन हो जाएगा, 4 पॉइंट है यानी कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और फिर उस फिगर का नाम भी आपको बता देना है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पी को देखते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है उसका नाम पी लिखा हुआ है, -3 और 2 है, तो एक्स के लिए -3 कहाँ पर आएगा, एक्स के लिए -3 इधर आएगा, तो ये हमारा -1 होगा, -2 होगा, और ये -3 होगा, यहाँ पर -3 लिख लेता हूँ मैं। और वाई के लिए 2 है, प्लस वाला 2 है, तो ऊपर चलेंगे हम लोग, ये 1 और ये 2, तो ये जो मेरा पॉइंट बनेगा यही पी होगा, जो कि हमारा एक्स के लिए -3 है और वाई के लिए प्लस वाला 2 है, ये वाला पॉइंट, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्यू -7 और -3 है, तो एक्स के लिए -7 आ रहा है ना, हाँ तो एक्स के लिए -7 कहाँ पर आएगा भैया, ये -5 था, -6 -7, यहाँ पर हमारा -7 आ रहा है, और वाई के लिए -3 आ रहा है, तो नीचे जाना पड़ेगा इस बार, ये -1 -2 और -3, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा कहलाएगा क्यू, जो कि एक्स के लिए -7 है और वाई के लिए -3 है। उसके बाद R में आ जाते हैं 6 और -3, तो X के लिए 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये हमारा +5 और ये हो गया +6। उसके बाद Y के लिए -3 है, तो 3 पॉइंट फिर से नीचे आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये मेरा R, जो कि हो गया हमारा 6 प्लस वाला और माइनस वाला 3 हो गया, इस तरीके से X के लिए और Y के लिए। लास्ट में हमारे पास S है, 2 एंड 2, तो हमारा X के लिए 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और Y के लिए भी 2 है तो ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा S, जो कि X के लिए भी 2 है, देखो X की सिधाई में भी 2 है और Y के लिए भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस इसका नाम इसीलिए लिख दिया था ताकि आपको सिधाई समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, 5 तक लिखा हुआ है, लेकिन लाइन से आपको काउंट करने में समझ में आ ही जा रहा होगा। अब हम लोग इनको मिला देते हैं, मिलाने के लिए मैं वो वाला पेन यूज़ करता हूँ, इससे ये लाइन बनता है सीधा, बन गया, हाँ बन गया। उसके बाद ये वाला ऐसे मिला दिए, इस वाले को ऐसे मिला दिए, और लास्ट वाले को भी सीधा मिल जाना, हाँ सीधा हो गया। अब देखो ये कौन सा फिगर बन गया, हमको ये बोला था ना कि इनको ज्वाइन करना था, हमने ज्वाइन किया, तो दिख रहा होगा आपको कौन सा फिगर बन गया। इस फिगर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इस फिगर का नाम जो होता है टी से स्टार्ट होता है। अब टी से कौन सा फिगर है ये बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ वाले बोल रहे हैं फिर से वही चीज़ कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कॉलिनियर, ये कॉलिनियर है कि नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लाइन हमारे पास रहेगा, उसमें एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, यानी कि एक सीधी लाइन पे बनने वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको ही कॉलिनियर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, 1, 3 है तो हमारा एक्स के लिए 1 कहाँ पर आएगा भैया, x के लिए 1 आ जाएगा यहाँ पर, और y के लिए 3 है तो 1, 2, 3, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 का बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर -1 और -1 है, तो x के लिए भी -1 है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो ये मेरा 1 था और 3 था, आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन लिख लेते हैं। अब x के लिए -1 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और y के लिए भी -1 है तो नीचे में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 1, x के लिए प्लस वाला 1 और y के लिए माइनस वाला 1, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, मिटेगा क्या, हाँ मिटेगा, ये वाला पॉइंट था ना, तो ये हो गया हमारा, थोड़ा दूर से लिखते हैं,
वन और माइनस वन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस टू और माइनस थ्री है, तो x के लिए माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट माइनस टू हो गया, और y के लिए माइनस थ्री नीचे जाएंगे तो वन टू और ये थ्री, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा x के लिए हो जाएगा टू सॉरी माइनस टू और y के लिए माइनस थ्री। अब हम लोग चेक करते हैं कि सीधा लाइन में जाता है कि नहीं जाता है। मैं लाइन बनाता हूँ, जो दिख रहा है मुझे सीधा ही है ये, इन सभी को आपस में ज्वाइन करते हैं। देखो एकदम सीधी लाइन में आ रहे हैं ना, अगर सीधा लाइन में नहीं आता तो ये ज्वाइन ही नहीं कर पाते इनको। तो सीधी लाइन में तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये भैया कॉलिनियर पॉइंट्स है हमारा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ये कॉलिनियर पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला भी बना लेता हूँ, इसी में माइनस टू और माइनस थ्री है, रेनियर माइनस टू ये वाला है सॉरी, वन एंड वन है, तो इसको मैं मिटा दूँ क्या, मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दूसरा वाला अच्छे से समझा सकूँ मैं, ठीक है। तो दूसरे वाले में हमारे पास वन एंड वन है, तो x के लिए वन यहाँ पर होगा और y के लिए वन यहाँ पर होगा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा x की सीधाई में भी वन और y की सीधाई में भी वन आ गया, इसको हम लोग वन वन लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर टू एंड माइनस थ्री है, तो x के लिए टू यहाँ पर आएगा और y के लिए माइनस थ्री, वन टू और थ्री, ये जो पॉइंट होगा ये मेरा टू और माइनस थ्री कहलाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट में माइनस वन एंड माइनस टू है, तो x के लिए माइनस वन यहाँ पर आ गया और y के लिए माइनस टू कहाँ पर जाएगा भैया, तो नीचे में ये वन और ये टू आ गया, तो ये हो गया हमारा माइनस वन और माइनस टू। अब आप लोग देख लो खुद ही कि ये ऐसे और ऐसे लाइन बन रहा है, अगर मैं इसको लाइन बनाऊंगा भी तो ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनेगा, सीधा लाइन बन ही नहीं सकता, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरीके से जब ये बन रहा है तो इसको हम लोग कॉलिनियर नहीं कहते हैं, ये हमारा कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे, ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, हमारे ऐप में आपको इसे नोट मिल जाएगा। लास्ट वाला हम लोग करते हैं जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो तो भैया यहीं पर होता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि जीरो जीरो हमारा कहाँ पर रहेगा, एक सेकेंड कहाँ हो रहा है ये, हट जा, ये वाला पॉइंट मेरा जीरो जीरो है, यहाँ पर मैं बस एक सर्कल बना देता हूँ, ये जीरो जीरो हो गया। उसके बाद टू एंड टू है, तो एक्स के लिए भी टू, ये रहा एक्स के लिए टू और वाई के लिए टू यहाँ पर आएगा ऊपर में, देखो वन और टू होता है ना, तो ये पॉइंट मेरा टू एंड टू कहलाएगा। छोटा छोटा लिख देता हूँ, इसको भी छोटा छोटा जीरो जीरो लिख देता हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में है फाइव और फाइव, तो एक्स के लिए फाइव यहाँ पर है और वाई के लिए देखो फाइव यहाँ पर है, ये जो पॉइंट होगा ये मेरा फाइव एंड फाइव कहलाएगा। अब ये भी मुझे कॉलिनियर पॉइंट दिख गया है साहब साहब, क्योंकि आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये सीधी लाइन पर आ रहे हैं, देखो इस तरीके से ये हम लोग मिलाएंगे तो हमें सीधी लाइन पर जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये थर्ड वाला, ये भी कॉलिनियर पॉइंट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन फोर भी क्लियर हो गया होगा कि कॉलिनियर पॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं। जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। अब आ जाते हैं, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई, यानी कि हम लोग को यहाँ पर पॉइंट्स को इंडिकेट नहीं करना है, बस हम लोग को बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो ना, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में तो डिटेल में सिखाया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग को एक चीज़ और सीखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो एक्स के लिए माइनस रहता है, सॉरी एक्स के लिए प्लस रहता है, प्लस वाला रहता है पहला, और वाई के लिए भी प्लस रहता है, यानी पहला जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो दोनों हमारे जो नंबर होते हैं ना प्लस प्लस होते हैं। ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट हमारा एक्स के लिए माइनस और वाई के लिए प्लस होता है, तो इसको हम लोग माइनस प्लस के नाम से जानते हैं। थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो एक्स के लिए भी माइनस और वाई के लिए भी माइनस होता है, तो इसको हम लोग माइनस माइनस के नाम से जानते हैं। और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हमारा एक्स के लिए प्लस होता है और वाई के लिए नीचे से माइनस आ जाता है, ये जो क्वाड्रेंट है ये जो एरिया है ये प्लस और माइनस कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग बस देखना है नंबर को और पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो पहला हमसे बोल रहा है कि ऑर्डिनेट जो है वो फाइव है और एब्सिस जो हमारे पास वो माइनस थ्री दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस का होता है और एब्सिसा जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, यानी अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पहले माइनस थ्री और बाद में लिखेंगे फाइव। तो माइनस थ्री और फाइव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहला वाला नंबर निगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो देखो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकेंड वाले में आता है, यानी कि ये जो होगा हमारा ये सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। कितना सिंपल है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो टू है जिसमें एब्सिसा माइनस फाइव है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस फाइव पहले, उसके बाद ऑर्डिनेट कितना है माइनस थ्री है, तो दोनों हमारे निगेटिव आ रहे हैं, हमारा ये भी माइनस फाइव और माइनस थ्री दोनों निगेटिव आ रहे हैं, तो निगेटिव वाला दोनों किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि
एब्सिसा जो है वो हमारा माइनस फाइव है और ऑर्डिनेट हमारा थ्री है, तो एब्सिसा हम लोग यहाँ पर माइनस फाइव लिख लेते हैं और यहाँ पर ऑर्डिनेट को प्लस का थ्री लिख लेते हैं, तो माइनस और प्लस फिर से आ गया, यानी कि फिर से हमारा ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले में हमसे बोल रहा है ऑर्डिनेट जो है वो फाइव है और एब्सिसा थ्री है, यानी कि एब्सिसा थ्री लिखेंगे और ऑर्डिनेट को फाइव लिखेंगे, तो दोनों हमारे पॉजिटिव में और दोनों पॉजिटिव हमारे फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट पे होते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना था बस बिना, यानी कि प्लॉट किए, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो बिना प्लॉट किए आप लोग बस अपने दिमाग में इसको लिख करके ही बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हाँ ये ध्यान रखना कि पहला वाला को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और बाद वाला को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन सिक्स में है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, यानी कि ये जो पॉइंट्स हमको दिए हैं फिर से वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस में होंगे हमारे पास, तो माइनस थ्री और हमारे पास फाइव है, तो पहला वाला निगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव है, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हमारे किस में होता है, ये सेकेंड वाले में होता है, इसका मतलब कि हमारा माइनस थ्री और जो फाइव होगा वो सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये वाला हम लोग फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पहला वाला प्लस प्लस होता है, ये वाला हमारा माइनस प्लस होता है, ये माइनस और माइनस होता है और इसमें हमारा प्लस माइनस होता है, ये आप लोग याद भी कर सकते हो, बाकी इसको कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो कि ये प्लस प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स वाला भी प्लस है और वाई वाला भी प्लस है, ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, सॉरी माइनस और प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्स वाला जो है वो पहले माइनस में लिखते हैं और वाई वाला हम लोग बाद में प्लस में लिखते हैं, ये माइनस माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि एक्स वाला भी माइनस है और वाई वाला भी माइनस है, ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि हमारा एक्स वाला पहले प्लस में आ रहा है और फिर वाई वाला माइनस में आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर जल्दी बताते हैं, जैसे कि फोर एंड माइनस टू है, प्लस का फोर और माइनस का वन है, तो हमारा प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ वाले में आता है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर टू एंड जीरो है, तो यहाँ पर अब ये मज़ेदार चीज़ है, ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा क्योंकि जीरो आ गया जो कि प्लस भी नहीं होता माइनस भी नहीं होता। तो देखो ये एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास टू दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर कहाँ गया हमारे पास, हाँ ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इसमें टू यहाँ पर आएगा और वाई के लिए जीरो है, यानी कि यही वाला जो पॉइंट है ना ये मेरा टू एंड जीरो है, तो अब ये हमारा किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं आ रहा नीचे भी नहीं आ रहा, तो ये किस लाइन में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो वही हमसे पूछा भी था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस में है, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग कोई भी क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे। अगला वाला है टू एंड टू, तो एक्स दोनों प्लस में हैं तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, टू दोनों प्लस में रहते हैं तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा, और लास्ट में दोनों निगेटिव है माइनस थ्री और माइनस सिक्स, तो बस उसका उल्टा आ जाओ इधर तो ये हमारा थर्ड वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको भी वही सेम क्वेश्चन था, हमारे पास बस एक एक्सिस वाला दिया होता नया क्वेश्चन, बाकी एकदम सेम ही था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो वाई एक्सिस में आएंगे, तो इसको भी हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। हमने क्या सीखा कि जब एक्स हमारा जीरो होता है तो हमारा पॉइंट जो होता है वो वाई एक्सिस में आता है, और जब वाई हमारा जीरो होता है तो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में आता है। हमसे वाई के लिए पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वाई एक्सिस में होंगे, तो जिसका जिसका एक्स जीरो होगा वो हमारा वाई एक्सिस में आएगा। जैसे देखो ये तो हमारा दोनों नंबर है तो ये तो वाई एक्सिस में आएगा नहीं, ये हमारा वाई ही जीरो है तो ये तो हमारा एक्स एक्सिस में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हमारा देखो एक्स एक्सिस जीरो है और वाई वन है, इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस में आएगा, जिसका जिसका एक्स जीरो होगा वो सभी वाई एक्सिस में आएंगे। जैसे ये वाला हमारे पास जीरो जीरो है तो ये वाला भी हमारे पास आप लोग कह सकते हो कि ये भी हमारा वाई एक्सिस में आएगा क्योंकि यहाँ पर रहेगा ना, तो ये हमारा वाई एक्सिस में ही आ रहा है एक तरह से। उसके बाद फिर से जीरो वन है, एक्स वाला जीरो है वाई वाला वन है, तो ये भी हमारा वाई एक्सिस में आएगा। जैसे इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो देखो एक्स के लिए जीरो यहीं पर हो जाएगा और वाई के लिए माइनस वन यहाँ पर आएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा जीरो और माइनस वन कहलाता है, और ये कौन से लाइन में आया, ये वाई एक्सिस में आ गया। उसके बाद फिर अब ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पहला वाला ये हमारा नंबर है, यहाँ पर ये भी होगा जी वाला भी होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो और माइनस जीरो फाइव है ना, तो जीरो और फाइव यहाँ पर हो गया, तो ये वाला पॉइंट जीरो और फाइव कहलाता है, इसीलिए ये भी मेरा क्या होगा वाई एक्सिस में आएगा, ये भी वाई में नहीं आएगा और ये भी वाई में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों का एक्स जो है वो कोई नंबर है। तो कौन कौन से हैं हमारे पास, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और जी हो गया, ये सारे पॉइंट जो होंगे ये मेरे वाई एक्सिस में आएंगे। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं, ए पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ सेवन यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस में है सेवन यूनिट्स दूर है वाई एक्सिस से, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट्स लाई ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ माइनस सेवन यूनिट फ्रॉम एक्स। अभी तो समझो, एक पॉइंट हमारे पास वो किस में है, एक्स एक्सिस में आ रहा है यानी कि इस वाले लाइन में आ रहा है, और डिस्टेंस ऑफ सेवन यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसकी जो दूरी है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, सेवन यूनिट दूरी है, यानी कि अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस में बनाए तो यहाँ पर हमारे पास सेवन, देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, इससे हम लोग क्या करेंगे सेवन यूनिट दूर कर देते हैं, तो हमारे पास किधर भी जा सकते हैं हम लोग, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स,
पॉइंट एक्स एक्सिस में है ना, डिस्टेंस फ्रॉम 7 एंड फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आ रहा है। देखो हमसे क्या बोला, एक्स एक्सिस में है तो हम लोग एक्स एक्सिस में ले लेंगे, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो 7 यूनिट दूरी पर है। तो देखो ना, ये वाई एक्सिस से 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 और 5 और ये 6, तो ये वाला हो गया। अब हम लोग को पूछा है व्हाट इट्स कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो भैया हमारे एक्स के लिए तो 7 हो जाएगा और वाई के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, तो खेल खत्म, वाई के लिए तो 0 ही होगा। बस इतना ही आपको बताना था। अब हमसे बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इफ़ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर ये लाई करता वाई एक्सिस में एट ए डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स से अगर -7 यूनिट दूर चला जाता है। देखो वाई एक्सिस कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है हमारा। अब हम लोग को एक्स एक्सिस से ना माइनस में जाना है, -7 यूनिट दूर जाना है, तो ये -1 यूनिट होगा, -2 होगा, -3, -4, -5, -6 और -7। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा, जो कि वाई एक्सिस में बन रहा है और एक्स से हमारे पास कितना भी है और वाई एक्सिस में बन रहा है, इसका मतलब तो एक्स के लिए 0 होगा। ये तो पहले आप लोग लिख लो यहाँ पर कि वाई में बन रहा है, इसका मतलब एक्स के लिए 0 होगा, और फिर वाई का कितना हो जाएगा, तो वाई का -7 हो जाएगा, क्योंकि ये वाई से 7 यूनिट, -7 यूनिट दूर में है, तो सॉरी एक्स से मतलब -7 यूनिट दूर में है। तो इस तरीके आपको इसको बताना था, फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा, सेकंड वाले का आंसर ये होगा। थक जा रहा हूं, चलो कंप्लीट करके थकेंगे, ऐसे नहीं थकेंगे, कंप्लीट करते हैं। नाइन्थ वाले में है पॉइंट्स ए बी सी डी, सी तो है ही नहीं, डी है, पॉइंट ए बी और डी जो है आर थ्री वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके ए बी और डी अपने को दे दिए गए, सी नहीं दिया हुआ है। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यानी कि आप लोग को इनको यहाँ पर ग्राफ पेपर में बनाना है और उसके बाद पता करना है कि जो सी वाला होगा वो कहाँ पर बनेगा। तो स्क्वायर है यानी कि चारों साइड से बराबर ही रहेगा, हम लोग लेंथ ले लेंगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले 5 और 3 लेते हैं, तो 5 यहाँ पर हो गया और वाई के लिए 3 यहाँ पर हो गया, ये हो जाएगा हमारा 5 और 3, जिसका नाम क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। उसके बाद फिर बी वाला कितना है, -2 और 3, तो एक्स के लिए -2 यहाँ पर आएगा और वाई के लिए 1, 2, 3 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट हमारा -2 और 3 हो जाएगा, जो कि बी के लिए है। उसके बाद सी तो दिया नहीं है, डी अपने को 5 और 4 दिया हुआ है, तो 5 प्लस वाला है ना, तो एक्स के लिए +5 यहाँ पर आ गया और वाई -4 है, तो 1, 2, 3, 4 नीचे में जाएगा। ये वाला पॉइंट जो होगा ये एक्स के लिए 5 एंड वाई के लिए -4 हो जाएगा, जिसका नाम डी दिया हुआ है। अब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, तो देखना ऑटोमेटिकली हमारा एक स्क्वायर बनेगा। अभी कहाँ गया मेरा बोला लाइन वाला पेन, ये रहा। चल भैया लाइन बना सीधा सीधा, ये बना एक लाइन, ये बन गया दूसरा लाइन, ठीक है। अब आप लोग देखो स्क्वायर थे, इसका मतलब क्या होगा कि सबका जो दूरी होगा वो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल ये दोनों की जो दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7 है, तो नीचे भी 7 पॉइंट तक ही दूरी बनेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी एकदम सीधा आएगा, तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ये बन गया हमारा एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में हमारे पास ये क्या होगा, पॉइंट C होगा, ये वाला जो नंबर पॉइंट होगा ये हमारा C होगा, और इसके अपने कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो देखो ये X में कितना में आ रहा है भैया, तो X से सीधाई में देखो ये 1 और 2, X सीधाई में 2 में आ रहा है और Y के लिए -1, -2, -3 और -4, यानी कि X के लिए 2 हो जा रहा है और Y के लिए -4 हो जा रहा है। ये हो जाएगा पॉइंट C का, यानी कि आपको इस तरीके से पहले 3 पॉइंट मिला लेना है, उसके बाद देखना है कि कितनी दूरी पे है। 7 है तो इसको भी ऐसे 7 बना दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जो लेंथ होती है, जैसे मान लो अगर ये सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना था, और जब आप मिला दोगे दोनों साइड से, तो जो पॉइंट्स बनेगा उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लिख देने और वही बता देना जो हमसे पूछा था। तो व्हाट इज सी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, 2 और -4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या भैया, प्लॉट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को अपने को पी क्यू और आर नहीं दिया हुआ, एस दिया हुआ है, ऑन ए ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर सच दैट पी क्यू आर इज स्क्वायर। फिर से वही चीज़ है, पी क्यू आर इज स्क्वायर है, तो जैसे पहले की तो वैसे ही करेंगे। पी हमारे पास 1 और 0 है, तो हमारे पास ये कितना है, एक्स के लिए 1 है, तो एक्स के लिए 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और वाई के लिए 0 यहीं पर रह जाएगा, तो ये हमारा 1 और 0 पी के लिए हो गया। उसके बाद Q हमारा 4 और 0 है, तो X के लिए 4 यहाँ पर आएगा और Y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, तो इसको हम लोग, मैं इसको डायरेक्ट 4 और 0 कर देता हूँ, है ना, ये मेरा Q के लिए हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। उसके बाद S जो है 1 और 3 है, तो X के S हमारे पास पहला वाला X एक्सिस होता है, तो ये 1 हो गया, और Y के लिए 3 हमारा 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया 1 और 3 जो कि S के लिए है। अब देखो ये हमारा P Q S हो गया है। अब यहाँ से आप लोग सीधाई इसका ले लो और इसके सीधाई में यहाँ पे पॉइंट बना दो, ताकि हमारे पास एक स्क्वायर बन सके इस तरीके से। देखो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट दूरी पे है, तो इसे भी 1, 2 और 3 की दूरी में बना दो, और नीचे से 1, 2, 3 ऊपर में है, तो इधर से भी 1, 2, 3 ऊपर जाएगा,
स्क्वायर रहता है वो चारों साइड से बराबर रहता है, तो बस बन गया इसका भी स्क्वायर जैसे पहले बनाया था सेम टू सेम उसी टाइप से बनेगा। अब इन सभी को आपस में मिला दीजिए, ये वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया हमारा फोर। क्या नहीं बनाया अच्छा लाइन, शायद मैं उठाया नहीं बीच में पेन, या फिर मुझे लगता है गलत पेन सिलेक्ट कर लिया, सर जो भी होगा। तो इसी तरीके से हमारा स्क्वायर बनेगा। और इसके अपने वो कोऑर्डिनेट्स भी पूछे थे ना, आर के कोऑर्डिनेट्स भी बताने थे। तो आर जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बना है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये वन टू थ्री है और वाई से भी थ्री है। तो ये हमारे पास, नहीं नहीं गलत पेन पकड़ा हुआ हूँ तभी उल्टा सीधा बन रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब लिखता हूँ आर जो हमारे पास, ये एक्स से हमारे पास देखो सॉरी थ्री नहीं है यार, वन टू थ्री फोर, एक सेकेंड, वन टू थ्री फोर में है हमारा, x से ये फोर दूरी पे है और y से यहाँ पर वन टू थ्री फोर, y से भी फोर दूरी पे है, तो ये हो जाएगा फोर फोर। r के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमारे फोर फोर हो जाएंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन ऐसे ही बनाया था हमने। अब आते हैं इलेवंथ वाले में, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 एंड 3 यूनिट। लेंथ और ब्रेथ जो है वो 5 और 3 है। मैं एक रेक्टेंगल पहले तो बनाता हूँ रफली, इसका लेंथ जो है वो 5 है और जो ब्रेथ है वो 3 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे है, वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये कॉर्नर को बोलते हैं। तो इन चारों में से कोई भी एक कॉर्नर जो होगा ये यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द लॉन्गर साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस, बस तो यहाँ से काम बन गया। जो लंबा वाला हमारा साइड है ना, ये वाला जो साइड है वो एक्स एक्सिस में बनेगा, चाहे इधर चाहे उधर, किधर बन सकता है। हम लोग से बोल रहे हैं एंड द वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और एक जो हमारा वर्टिसेस बन रहा है, एक जो कोना मिल रहा है अपने को, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम लोग कितना बोला था कि जो लेंथ है वो हमारे पास 5 यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बनाएंगे। ध्यान रखना कि हमारा जो इस तरीके से बनेगा तभी, तो अगर मैं इधर बनाऊंगा तभी तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। अगर मैं इधर वाले एक्स एक्सिस में बना दूंगा तो वो तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और हमको ये थर्ड जो दिया हुआ है वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया ना, कहाँ गया थर्ड, थर्ड कहीं पे तो लिखा हुआ था, ये रहा थर्ड जो वर्ड लिखा हुआ है, बहुत काम का लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर ही बनने वाला है, तभी तो एक क्वाड्रेंट यहाँ पर आएगा ना, एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है तो एक यहाँ पर बनेगा। ये वाला मेरा कन्फर्म हो गया कि ये जीरो वाला होगा, उसके बाद यह वाला जो मेरा पॉइंट है ना, यही मेरा थर्ड में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लंबा सा लाइन बनाते हैं 5 पॉइंट्स का, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ कितना बोला था, ब्रेथ 3 यूनिट बोला था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला हो गया ब्रेथ, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको आप लोग ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, सबको मिला दीजिए, तो हमारे पास ये एक क्या बन जाएगा, रिक्टेंगल बन जाएगा। तो बहुत आसान है ये, देखो ना हो गया, खेल खत्म। ये तो इससे पहले से लाइन बना हुआ है, एक लाइन हमने ऐसे बना दिया और एक लाइन हमने ऐसे बना दिया, तो हमारे जितने भी हमसे चीज़ें बोली गई थी सब यहाँ पर फुलफिल हो गई। हमारा जो लेंथ है वो यहाँ से 5 यूनिट आ गया, एक सेकेंड, लेंथ हमारा 5 यूनिट हमने ले लिया, देखो 1 2 3 4 5। दूसरा हमसे क्या बोला गया था, ब्रेथ 3 है, तो देखो 1 2 3 ब्रेथ हो गया 3 यूनिट। उसके बाद हमारे पास बोला गया था कि जो एक को हमारा वर्टिसेस है वो किस में है, तो ओरिजिन में है, तो हमने एक ओरिजिन में भी रख लिया। दूसरा एक लास्ट हिंट दिया हुआ था कि एक वर्टेक्स जो हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक वर्टेक्स को हमने थर्ड क्वाड्रेंट भी बना दिया। तो यही हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा। इसे एरिया वगैरह भी बोलेगा निकालने के लिए, ना एरिया निकालने के लिए बोला ही नहीं, यानी कि बस इतना ही करना है। कितना बच्चों का खेल है, बहुत आसान काम है तो आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट ए -1 एंड 4 5। ये दो पॉइंट अपने को प्लॉट करने, चलो पहले प्लॉट कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे पास कितना है, 1 है x के लिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और y के लिए -1, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 एंड -1। उसके बाद कौन सा है, ये a इसका नाम दिया है ना, इसको a भी लिख देता हूँ साइड में मैं। फिर b वाला जो है वो 4 एंड 5 है, तो x के लिए 4 यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए तो 5 इस वाले लाइन पे आएगा, 5 पे सीधा ही में। तो ये पॉइंट जो होगा मेरा 4 एंड 5 कहलाएगा, जो कि b के लिए है। अब इसमें क्या क्या बोल रहे हैं हमसे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट बिटवीन a एंड b। इसमें बोल ये रहा है कि पहले आप लोग लाइन बनाइए, एक लाइन सेगमेंट बनाइए, इसको पकड़िए और ये पॉइंट को पकड़िए, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है इसमें से कोई भी आप एक कोऑर्डिनेट्स लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेट, बहुत सारे कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, तो इनके बीच का भी कोई कोऑर्डिनेट उठा करके आप नाम बता दीजिए। तो अपने मन से कोई उठा सकते हो, जैसे मुझे लग रहा है कि ये मेरा लाइन में आना चाहिए था, थोड़ा सा लाइन मैंने टेढ़ा बना दी इसीलिए नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारे इधर से कितना जा रहा है भैया, तो x से ये दूरी पर है 1 2 एंड 3, x से 3 दूरी पर है और y से कितनी दूरी पर है भैया, तो 1 2 3 4। तो ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है, एक सेकेंड पेन गलत पकड़ा हूँ मैं, इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको,
ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट किस में बन गया, ये हमारा x के लिए 3 बन रहा है और y के लिए 4 बन रहा है। तो हमसे बस यही बोला है कि a और b के बीच में आप लोगों को एक पॉइंट बताना है, ठीक है। तो वो हमने बता दिया कि 3 और 4, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। जब आप लोग एकदम अपने अच्छे से ग्राफ पेपर में जिसमें एकदम छोटा छोटा पॉइंट बना हुआ रहता है ना, यानी कि ये जो बड़ा सा बॉक्स है उसके बीच में भी 1, 2, 3 बॉक्स रहता है, ऐसे करके रहेगा। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से बना रहेगा। तो मान लो आपका इस टाइप से आ जाएगा तो उसको आप लोग डेसिमल में बता सकते हो, लेकिन उतना डेसिमल वाला मत करना। जो मेन हमारा जो सीधा सीधा दिखे एकदम सही सही, बस उसी को बताना, उससे आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि फिर आप डेसिमल में बताओगे तो टाइम वेस्ट होगा, डेसिमल को फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो सब काम नहीं करेंगे हम लोग, हम लोग डेट ऑल बताएंगे। अगला बोल रहा है, एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन व्हिच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। यानी कि इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करना है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को, इसी पेन को पकड़ता हूं फिर से, हट जाए। अब इसको मैं बड़ा करता हूं नीचे की साइड में, ठीक है। इस तरीके से मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन नहीं 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 सीधा नहीं हुआ है, आपको एकदम सीधा लाइन बनाना है। स्केल का यूज़ कीजिएगा आप लोग बनाने के लिए ना। सीधा हुआ, अब थोड़ा सा सीधा दिख रहा है। अब आपको बोल रहा है कि इसमें आप लोग कोई भी पॉइंट बताइए जो कि इस ए बी के बाहर हो। ये हमारा ए है और ये वाला हमारा, सॉरी ये वाला हमारा बी है। तो इस ए बी के बाहर जो आपको सबसे ईजी दिखे, जैसे मुझे यहाँ पर ईजी दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के लिए, सॉरी इधर से आएगा तो एक्स एक्सिस के लिए कितना भैया 3 आ रहा है और वाई एक्सिस के लिए 1, 2, 3, 4 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 3 एंड 4। ओहो, मैं बार बार पेन को चेंज करना क्यों भूल जाता हूँ मेरे भाई। 3 हो गया और 4 हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको बताना है, यानी कि दो पॉइंट दे दिए गए हमको, उनको ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बीच का कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही बताओ, आपको जो भी इजी लग रहा होगा, यहाँ पर का पॉइंट, यहाँ पर का पॉइंट, जहाँ पर कभी होता, लेकिन ध्यान रखना कि वो लाइन वहाँ पर क्रॉस होता हो, तो उसके ऑर्डिनेट्स बताने हैं। और फिर उसके बाद उसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देना है, स्केल से बनाओगे एकदम सीधा लाइन खींचाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पर आगे जाकर उसको बना देना है। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, देख लेना एक आध पॉइंट आगे पीछे आएगा जब आप लोग स्केल से बनाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन समझ में आना चाहिए कि क्या बोला गया था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेकिंग 0.5 सेंटीमीटर एज 1 मिनट। यानी कि आपको इस बार क्या करना है कि जैसे हम लोग यहां से मान लो ये हम लोग 1 यूनिट इसको ले रहे थे पहले, 1 फिर इसको 2 फिर इसको 3 फिर इसको 4 ऐसे ले रहे थे ना, अब ऐसे नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो आधा होगा 0.5 मतलब कि आधा, यहां पर आपको 1 लेना है, फिर ये जो होगा हमारा 2 लेंगे, फिर आधा हम लोग 3 लेंगे, फिर इसको 4, फिर यहाँ पर 5 होगा, ये 6 होगा, यानी कि जहाँ पर हमारा 1 होना चाहिए था वहाँ 2 होगा, 2 के बदले में 4 होगा, फिर 3 के बदले में 6 होगा, क्योंकि आधा होते जा रहा है ना, वो यूनिट आधा हो जा रहा है। तो हमको आधा आधा यूनिट लेना है और उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देना। तो सेम वही काम है, बस यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर 1 लिखते थे, अब हम लोग को बीच में 1 लिखना पड़ेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, छोटा छोटा ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या ताकि और अच्छे से दिखे। हाँ, एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा पहले इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर साइज वाइज बिगड़ जाएगा। हाँ, ये हो गया, इसको अगर मैं, ओहो एक सेकेंड यार, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, इरेज हो जा, ये हो गया। इसको अगर मेरे को बड़ा करना रहे तो मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से बड़ा होगा। हाँ, अब आपको अच्छे से दिखेगा, लेकिन अब ऊपर वाला गायब हो गया, कोई मतलब नहीं है भैया, तो छोटा ही रहा छोटा ही रहो। चलो कोई बात नहीं बच्चों, छोटा ही में सीख लो, इतना बड़ा भी काफ़ी है। पहले तो कॉपी में आपने सीख रखा है तो ये तो आपके लिए पहले से तो बेहतर ही होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। मैक्सिमम कितना तक गया है, मैक्सिमम -8 तक गया है ना, तो नीचे में हम लोग को -8 तक बनाना है। बस इधर इतना ही करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। इधर -1 होगा, ये वाला -2 होगा, यहाँ पर हमारे पास -3 होगा, ये वाला लाइन हमारा -4 होगा, यहाँ पर -5 होगा, ये वाला -6 होगा, ठीक है। ऊपर में हमारे पास ये 1 होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। नीचे में अपने को ज़्यादा जाना पड़ेगा, जैसे ये वाला पॉइंट जो होगा वो मेरा -1 होगा, ध्यान रखना। फिर ये वाला पॉइंट मेरा माइनस, ओहो इतना छोटा छोटा लिखने में नानी याद आ जा रही है। ये जो पॉइंट होगा ये -2 होगा, यहाँ पर हमारे पास -3 होगा, ये वाला -4 होगा, यहाँ पर -5, ये वाला -6, ये बीच में -7, ये वाला -8, फिर इधर हमारे पास -9, और यहाँ पर मेरे पास ये -10, इस तरीके से होगा। अब हम जल्दी से प्लॉट कर देते हैं, बस आपको मेन समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है। बस एक जो वहाँ पर 1 ले रहे थे वहाँ पर अपने को आधा आधा कर देना है, 1 और 3। तो x के लिए 1 यहाँ पर आएगा और y के लिए 3 यहाँ पर आएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा इसके सिधाई में ऐसे यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट मेरा 1 और 3 कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो बिगड़ गया, बिगड़ क्या गया मतलब थोड़ा सा गंदा, वहाँ पर 3 जो है बेचारा उसका शक्ल बिगड़ गया। b फिर -3 और -1 है, तो x के लिए -3 यहाँ
पर आ जाएगा और वाई के लिए माइनस वन यहीं पर रहेगा एकदम इसके सीधा है। देखो माइनस वन कहाँ है, वाई का यहाँ पर है, तो यहीं पर जो पॉइंट होगा ना ये मेरा माइनस थ्री और माइनस वन होगा। यहाँ पर मैं बोर्ड में बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा खराब दिख रहा है, जब आप लोग ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो उसमें एकदम इनफ जगह रहता है, उसमें आप लोग लिख सकते हो। अगर लिखने की जगह नहीं होगा तो ऐसे ही करना, पॉइंट बनाना फिर एरो का साइन मार करके थोड़ा सा दूर में उसके कोऑर्डिनेट्स का नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास वन एंड माइनस फोर है, तो एक्स के लिए वन यहाँ पर होगा और वाई के लिए हमारे पास माइनस फोर, नीचे आ जाओ तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सॉरी हाँ ये वाला पॉइंट है ना माइनस फोर, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा देखो ना कितना बिगड़ जा रहा है, खराब दिखने लग रहा है यार, इतना खूबसूरती से मैं लिखा था। देखो ये एक्स के लिए वन सीधा आते जाओ, वाई के लिए माइनस फोर यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये हमारा एक्स के लिए हो जाएगा वन और वाई के लिए माइनस फोर, ठीक है। अब बाकी आप लोग कर ही सकते हैं खुद से, जैसे जीरो वाला लास्ट में बता देता हूँ, जीरो वाला थोड़ा सा आसान है क्योंकि वो हमारा लाइन नहीं रहेगा तो मुझे खराब नहीं करना पड़ेगा। एक्स के लिए जीरो है यानी कि वाई एक्सिस में आएगा और वाई के लिए कितना माइनस एट है, तो ये जो माइनस एट हमारा पॉइंट है ना यही हमारा एक्स के लिए जीरो और वाई के लिए माइनस एट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है, आई होप आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज जैसे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो भी बताइए, अगर आपको लगता है कि इससे पढ़ाने से अच्छा मैं आपको कॉपी में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें आप लोग को ज़्यादा डिटेल में समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। जो भी होगा सजेशन वगैरह फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसी टाइप की वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।